पति के हमारे 2 बरस पहले से कैंसर हुआ है। मेडिकल कॉलेज में हम उनको 3 बार ऑपरेशन करा चुकी हूँ, ठीक नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि घर पर ले जाकर के। बेटा आपके जो पति देव उनका श्वास फूलना, उनके भोजन नली में घाव, हाँ जी, पेशाब करने में भी कष्ट है, बहुत कष्ट है, किडनी में गलन हो गया है, खून पूरा दूषित हो गया है जी। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? और जवाब दे दिए हैं कि घर पर ले जाकर सेवा करो। क्यों जवाब दे दिए? ये ठीक नहीं हो सकते हैं, तुम घर द्वार कुछ भी बेच दोगी तो। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा? मैं बलिया जिला से आई हूँ, मेरा पार्वती नाम है और सोबईवान गांव से आई हूँ। मेरे पति के लिए बात करनी है। पति के हमारे 2 बरस पहले से कैंसर हुआ है। पति के बारे में बात करना चाहते हैं जी? पति देव के रोग और कष्टों के बारे में जी। मेडिकल कॉलेज में हम उनको 3 बार ऑपरेशन करा चुकी हूँ, ठीक नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि घर पर ले जाकर के सेवा। हम पूछ रहे हैं अपने पति देव के रोगों और कष्टों के बारे में बात करना चाहती हैं जी। बेटा आपके जो पति देव उनका श्वास फूलना, उनके भोजन नली में घाव, हाँ जी, पेशाब करने में भी कष्ट है, बहुत कष्ट है, किडनी में गलन हो गया है, खून पूरा दूषित हो गया है जी, कैंसर बन गया उनको लीवर में, जीभ में, मुंह में, गुदा द्वार में, रेक्टम में और प्रोस्टेट में, पौरुष ग्रंथि में जी, है ना। ऐसे जगह उनको कैंसर की स्मृतियां सक्रिय हैं। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? और जवाब दे दिए हैं कि घर पर ले जाकर सेवा करो। क्यों जवाब दे दिए? ये ठीक नहीं हो सकते हैं, तुम घर द्वार कुछ भी बेच दोगी तो। घर द्वार बेच दो? बेच दोगी तभी ठीक नहीं होगा तुम्हारा पति। ये बात तो सही है, तो पूरा पूरा शरीर जो है वो कैंसर से ग्रस्त हो गया, कैंसरस बॉडी बन गई, बॉडी काफी कैंसरस बन गई, मृत्यु का भय बन गया है आप में भी उनमें भी, क्योंकि ब्रेन में भी घाव बन गया है। तो कहाँ का कैंसर बताया? पेशाब की थैली से ब्लड आ रहा था। हाँ, पेशाब की थैली से ब्लड आ रहा था, अभी तो यहाँ पर आई थी हम 26 मार्च को, तो यहाँ से लौटा दिया गया कि यहाँ पेशेंट को नहीं लाना, कहीं तो हम लेकर चले गए, फिर आए हैं तब से हम उनको पेशाब में जो ब्लड आ रहा था वो बंद है, लेकिन जो पेशाब करने में दिक्कत है, बार बार दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, अलर्टिंग बार बार हो रहा है, ऐसा करिए कि थोड़ा हमारे पति ठीक हो जाए। हाँ बेटा, काफी कष्टकारी है, काफी मृत्यु का बन गया है और प्राण ऊर्जा काफी बाहर है, प्राणों का क्षय काफी हो चुका है उनका। डॉक्टर लोग सही से डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं। डायलिसिस भी 4 हो गए, किडनी भी बोल रहे हैं कि खराब हो गई उनकी। हमने तो बताया आपको किडनी के बारे में, हमने बताया आपको किडनी गल रही है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो गया है, प्रोस्टेट में खूब इन्फेक्शन है, किडनी गल रहा है, तो हमने ही बताया आपको। तो है तो रोग कष्ट बहुत बेटा, है ना, क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छा नहीं चल रहा है। आप जहाँ भी करा रहे हैं ट्रीटमेंट, वो स्थान गलत है, ये लिखा है ना, किडनी में गलन, ठीक है, दूषित है। ठीक है, बाबा माँ से प्रार्थना करिएगा कि वो स्वस्थ हो। बाबा माता से प्रार्थना करिएगा, बस ले जाइए। के लिए थोड़ा अमर प्रक्रिया जब तक नहीं हुई है, थोड़ा अनुमति करें बाबा की, तो आराम रहे, बहुत दिक्कत होती है। आंखें बंद करके अपने पति देव को देखो। ओम, सभी लोग कष्ट स्तंभित कर दिए। शिव प्रार्थ
तीन बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रगड़ के नेत्रों पे रखो और धीरे धीरे करके अपने नेत्र खोल दो। ठीक है बेटा, खुश रहिए।